सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुजफ्फरपुर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने इसका नेतृत्व किया। समाहरणालय परिसर में प्रशासन और पुलिस के साथ एनसीसी के वॉलंटियर और अधिकारी शामिल हुए। सभी को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। इसके बाद समाहरणालय परिसर से यूनिटी रन शुरू हुआ, जो करबला, इमली चट्टी और सिकंदरपुर मन होते हुए स्टेडियम में पहुंचकर समाप्त हुआ। करीब 3.5 किलोमीटर के दौड़ में सभी अधिकारी शामिल हुए। एनसीसी के 3 वॉलंटियर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज क्रमशः एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, टाउन डीएसपी राघव दयाल और मुशहरी सीओ सुधांशु शेखर के हाथों दिलवाया गया। इस दौरान एसडीओ ने सरदार पटेल के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। एनसीसी के वॉलंटियर को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज सरदार पटेल की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सबको उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्रम में आयोजन के पीछे लोगों के बीच जागरूकता फैलाना भी एक उद्देश्य है। एकता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। एकता से हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर का जन्म दिवस है, उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए हम लोग आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किए थे, जो हम लोग को समाहरणालय से लेकर सिकंदरपुर स्टेडियम था। टोटल डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर का लगभग था और यह हमारे सभी देशवासियों में जो एकता और अखंडता की भावना को जागरूक करने के लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्श पर अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए, और जैसे जैसे समय आ रहा है पूरे देश के लिए उनकी प्रसन्नता और बढ़ते जा रही है। और आज हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो विनर है उसको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, लेकिन बाकी के लिए भी यही है कि जिनको नहीं भी मिलता है वो दौड़ में भाग लिए है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। और फिर हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्रत्याशी हैं जो जीते हुए हैं, हम और डीएसपी साहब इन लोगों के साथ फिर कलेक्ट्रेट तो वापस जाएंगे। बाकी लोगों को परेशान करना उचित नहीं है, लेकिन 5 आदमी जो है हम लोग फिर जाएंगे कलेक्ट्रेट तक, थोड़ा देर पेशेंस रखना है और इस दौड़ को एकदम ज़बरदस्त रूप से हम लोग सफल बनाएंगे। हम लोग से यही अपील है कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में ऑलरेडी देश की एकता और अखंडता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, जो संविधान का हमारा मौलिक ढांचा है, तो इस ढांचा में जो आदर्श भावना निहित है इसी को अपने में उतारना है और देश को सर्वोपरि महत्व देते हुए और देशभक्ति की भावना को सब देशवासियों में जागृत करना है। जी, जैसा कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय बताए कि आज देश की एकता के लिए हम लोग रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, उसमें समाहरणालय से हम लोग स्टेडियम में आए हैं और ये काफ़ी सफल हम लोग का दौड़ रहा। इसमें हमारे नगर के बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए
आप सब लोग भी इसमें शामिल थे। आप सबों को और जो इसमें भाग ले सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि जिस उद्देश्य से इस दौड़ को रखा गया था सभी लोग उसका उस उद्देश्य का सफलता से सफल बनाएंगे और देश की एकता अखंडता को अछूत बनाए रखेंगे। युवाओं के लिए क्या मैसेज है? सर तो बताए ही कि जो संविधान का मूल ढांचा है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी आदर्श समूह को सुरक्षित जो संविधान में दिया गया है अपनाना है और हमेशा देश को अग्रसर बनाने के लिए अपने को लगाए रखना है। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।